वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो आज हम एक एक्सरसाइज क्रिएट करने वाले हैं बिगनर्स के लिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसे किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से हम इसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर सेकंड वाला सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब फर्स्ट वाले का डायमेंशन हम डिफाइन करेंगे 100 mm, और यहाँ पर सेकंड वाले का 72 mm। 100 and 72, यहाँ पे इस तरह से दो सर्कल हमने ड्रॉ किए। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन हमें ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पर हमें स्ट्रेट स्लॉट ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से हम स्ट्रेट स्लॉट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसकी साइज रहेगी 25 radius। फिर यहाँ पर इसका डिस्टेंस 165। फिर यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 65 mm। अब हम यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करना है और सर्कल को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट कर देना है। फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करना है हमें यहाँ पे, इसके साथ इस लाइन को सेट कर देना है, फिर लाइन को सिलेक्ट करना है और सर्कल को सिलेक्ट करना है और हमें टेंजेंट कर देना है। फिर यहाँ पर मिरर, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट सेंटर लाइन, और फिर ओके करना है। अब हम ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ पे इस स्लॉट को सिलेक्ट करना है 10 mm रिवर्स साइड, और फिर ओके करना है। तो इस तरह से देखिए हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब हम फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करेंगे। तो एक्सट्रूड बॉस बेस हम सबसे पहले यहाँ पे इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और इसकी हाइट अप्लाई करनी है 60 mm, फिर ओके करना है। अब इस तरह से फिर से इस स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड बॉस, और यहाँ पर इस वाले जो बीच वाले जो लाइन हमने क्रिएट की थी इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 15 mm। फिर से स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड बॉस, और यहाँ पर हम स्लॉट सिलेक्ट करेंगे और इसकी हाइट रहेगी 25 mm। देखिए इस तरह से हमारा कंपोनेंट क्रिएट कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए। फिर से यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे इसे रिवर्स ले जाना है और ये ऑटोमेटिक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे इसका व्यू चेंज कर लेते हैं। अब इन लाइन को सिलेक्ट कर देना है तीनों को और यहाँ पे सिमेट्रिक कर देना है। अब इसकी विड्थ हम अप्लाई करेंगे 40 mm, यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर देना है, इस लाइन को इसके साथ मिला देना है। अब इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट से इसकी इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 25 mm। फिर यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट
का डिस्टेंस रहेगा 75 mm. फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे होल के लिए, तो इसकी साइज रहेगी 15 mm. तो इस तरह से देखिए हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है. अब हम इसका व्यू चेंज कर देते हैं. हम अब फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है. यहाँ पर मिड प्लेन, अब इसकी साइज रहेगी 35. और ओके करना है. एडिट, यहाँ पे हम इसकी साइज रहेगी रखेंगे 33 mm. इसका ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए ये अंदर की साइज में, सॉरी अंदर की साइड में ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसे क्या करेंगे हम डायरेक्ट एडिटिंग में जाएंगे. आपको डायरेक्ट एडिटिंग टैब नहीं मिल रहा है तो आप राइट क्लिक करेंगे और टैब में जाके इसे एक्टिवेट कर देंगे. यहाँ पे राइट डायरेक्ट एडिटिंग आपको मिल जाएगा. तो डायरेक्ट एडिटिंग में जाके यहाँ पे डिलीट फेस हमें एक्टिवेट करना है, और यहाँ पर डिलीट एंड पेज इसे सिलेक्ट करना है. अब यहाँ पर हम इस फेस को फिर यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन, और फिर ओके कर देंगे. तो देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. अब यहाँ पर इसका कोई डायमेंशन हमें अप्लाई नहीं करना है, और सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है. एक्सट्रूड कट में हम यहाँ पर थ्रू ऑल, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन टू हमें अनचेक करना है, और इसकी साइज थ्रू ऑल. अब यहाँ पर थिन फीचर एक्टिवेट करना है. थिन फीचर में मिड प्लेन, और यहाँ पर इसकी साइज 3 mm अप्लाई करनी है, और फिर ओके करना है. फिलेट में जाएंगे, फिलेट एक्टिवेट करना है यहाँ पे 10 mm. हम यहाँ पर इसकी साइज चेंज कर देंगे, 10 mm की जगह हम 8 mm अप्लाई करेंगे, और फिर ओके कर देंगे. फिर से फिलेट, इस बार इसकी साइज रहेगी 5 mm. इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करना है, और फिर ओके करना है. तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है. हम यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं. तो एडिट अपीयरेंस में जाना है, और यहाँ पे जो मटेरियल आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट हम कलर अप्लाई कर देते हैं इस तरह से, और फिर ओके करना है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इसी तरह के वीडियोस और ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.